हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देखिए, जैसा कि हम हर सेक्टर में जो भी स्टूडेंट या मित्र जॉब में हैं उनका इंटरव्यू करा के आप तक पूरी जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं हम। इसके पहले जो है DRDO में बहुत बच्चों को दिक्कत था कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है। अगर वो लोग देखना चाहते हैं वीडियो की DRDO को कैसे सिलेक्शन होता है, क्या एजुकेशन चाहिए, तो वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज इसी क्रम में, इंटरव्यू के क्रम में हमारे साथ यूपी के रहने वाले हैं, बनारस के सतीश कुमार जुड़े हुए हैं, है ना। आपको जो UPRVNL में सिलेक्टेड है वो अभी जॉब कर रहे हैं ओबरा में। हम चाहेंगे सतीश जी, आपका चैनल पे हमारा बहुत बहुत स्वागत है, आपकी आवाज आज मिल रही है। थैंक यू। हाँ सर, बताइए। आप अपना परिचय देते एक बार दर्शकों को। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निवासी हूँ। मैं ओबरा थर्मल पावर प्लांट में टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरा शैक्षिक 10वीं है, 12वीं है, डिप्लोमा के बाद ITI, फिर उस। तो ये आपका एजुकेशन रहा, तो एजुकेशन एक बार फिर से बताइएगा। 10वीं 12वीं डिप्लोमा मैकेनिकल में, फिर ITI फिटर से, फिर इंडियन ऑयल से पानीपत रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप भी है। इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी से आपने अप्रेंटिस भी किया है ना। UPRVNL में सिलेक्शन जो हुआ आपका किस एज में हुआ था? लगभग 26 साल में हुआ था। चलिए, बहुत लेट सफलता मिली। इसके पहले आपने बहुत एग्जाम भी दिए थे पर नहीं हो पा रहा था, एक एक नंबर दो दो नंबर से गड़बड़ हो जा रहा था, तो मैंने हार नहीं माना। कभी कई लड़के फोन करते हैं, कहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा, क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें, तो उनको क्या हार नहीं मानना है। जब तक आप लगे रहेंगे तभी होगा, मतलब हार आपको नहीं मानना है जब तक सिलेक्शन ना हो। हाँ, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो हार नहीं मानना चाहिए। कभी कभी हम बहुत तैयारी करते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे मन लाइक क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो हम सोचते हैं पढ़ना बेकार है। सर क्या है कि आप एक पेपर देंगे, दो पेपर देंगे, तीन पेपर देंगे, कोई तो ऐसा पेपर होगा जो आपके हिसाब से आ जाएगा। एक पेपर आपके हिसाब से आ गया, हो गया काम, आपके हिसाब से आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, UPRVNL में सिलेक्शन लेने के लिए वो जो भर्ती आती है उसमें अप्रेंटिस अनिवार्य होता है? नहीं, अप्रेंटिस अनिवार्य नहीं है। अब जो अगर UPRVNL से आप अप्रेंटिस हैं, बस यही है, इस कंपनी के थ्रू आप अप्रेंटिस हैं, तो आपको 5% कोटा मिलता है, छूट मिल जाएगा। अब वैसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अनिवार्य है। अच्छा, मैंने अगर अप्रेंटिस है UPRVNL से आपका तो 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। अगर UPRVNL में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए जो है, हम जहां तक जानते हैं कि ट्रिपल सी अब अनिवार्य हो गया है। और मेरे दर्शक कुछ लोग नहीं जानते हैं कि ट्रिपल सी क्या होता है, तो ट्रिपल सी एक 90 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होता है, नीलेट के थ्रू होता है जी, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स होता है, ट्रिपल सी हो जाता है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स होता है। अगर जो दर्शक नहीं जानते हैं, अगर UPRVNL में जाने की सोच रहे हैं, अगर जॉब करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग ये कोर्स करके जरूर रखें, तभी आप UPRVNL का फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, UPRVNL का क्या सिलेबस होता है, मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं? 200 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका 150 टेक्निकल रहता है और 50 नॉन टेक रहता है। उसमें 50 नॉन टेक में 17 हिंदी, 17 रीजनिंग और 17 GK रहता है। इसमें मैथ इंग्लिश नहीं रहता है। अच्छा, 150 ट्रेड आपका मेन, आपको फोकस करना है टेक्निकल पे। टेक्निकल 150 नंबर है, मान लीजिए मेरे ख्याल से सिलेक्शन 135 45 50 अगर कुछ वैकेंसियां कम होती है तो मार्क्स ज्यादा आता है, ज्यादा मेरिट पर उठता है, अगर वैकेंसी ज्यादा रहता है तो कम पे उठता है, मतलब 145 40 के बीच में भी सिलेक्शन हुआ है। इस बार जो भी जो न्यू वैकेंसी आई थी इसमें सीट कम है, हाँ, तो सीट कम है, तो थोड़ा मेरिट, हाँ, तो मेरिट हाई चली जाएगी। पर हम लोग के साथ जो हमारी जो 2021 वाली थी, तो जो 2021 में जिसका ज्वाइनिंग हुआ है, तो उनका 142 नंबर, 142.75 शायद ओबीसी का है, जनरल का 144 पॉइंट कुछ है, तो मतलब
मतलब ये आपका कटअप रहा, तो अगर आप सही से फोकस करते हैं ट्रेड पे 150 में, 120 और 30 के में आप पहुंच जाते हैं वहां पे, तो आप नॉनटेक से 20-30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। मैथ रीजनिंग बहुत नॉर्मल, मैथ नहीं होता है, रीजनिंग जो होता है बहुत जी नॉर्मल होता है, नहीं, और हिंदी हाँ, मुहावरा अधिकतर मतलब होता देखिए है मेन आपका फोकस करना है टेक्निकल। आप हाँ टेक्निकल में ट्रेड पे। आप बाजी मार ले गए तो आपका नौकरी लग जाएगा। अब जैसे इसमें आपका नॉन टेक नौकरी होता लग है तो जैसे वो ज़्यादा कठिन नहीं आता है। हाँ जाए। अच्छा, ठीक है। कह रहे थे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मेडिकल होता है, क्या जैसे क्या प्रोसेस होता है उसके आपका बाद, बस जब जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद कितना गुना इसमें रिजल्ट डेढ़ गुना होता लिया है? जाता है, पहले जैसे डीबी के लिए डेढ़ गुना लिया जाएगा, और अच्छा, डीबी के लिए फिर 1.5 गुना रिजल्ट लिया जाता है। अच्छा, पहले पहले डीबी डीबी होगा, ही होता है। जैसे डेढ़ गुना रिजल्ट आएगा डीबी होगा, अच्छा, उसके बाद फाइनल आएगा जिसमें एक गुना लड़के हो जाएंगे, तो मतलब जितना लेना उतने लड़के। फिर उनके बाद अपने जिले अस्पताल से मेडिकल बनवाना है, मैंने आपको जिला स्कूल से, मैंने सॉरी जिला स्कूल कह रहे हैं, मतलब अपने जिला जी के जो हाँ सदर हॉस्पिटल होता है वहां वहाँ से से आपको मेडिकल मेडिकल बनवा बनवाना लीजिए, होता है। और आपके जो जितने क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं ITI और ITI स्कूल से अपना जो भी चरित्र आपने प्रमाण दिया पत्र है उसमें बस, और CCC यही मतलब ये डॉक्यूमेंट आई। वेरिफिकेशन होता है। अगर मेडिकल की बात की जाए तो अगर देखिए, तो अगर UPRVNL अपना खुद नहीं कराती है, अगर आप बाहर से कराते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं बच्चों को बहुत ज्यादा मेडिकल के बेनिफिट लिए होता मतलब है। वो इसमें नॉर्मल मेडिकल है, मतलब कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, मतलब उतना टफ टफ में मतलब एक एग्जाम है हाँ और एक सीधा ज्वाइनिंग हाँ है, ये हाँ कहा जा सकता है, एक एग्जाम है और सीधा ज्वाइनिंग ये है। इसमें जैसे कि और अभी हाँ और एग्जाम है जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, तो उसमें जी, क्या स्केल टेस्ट भी है, इसमें ये झंझट नहीं है, केवल वन ओनली वन डे एग्जाम है और सीधा ज्वाइनिंग आपका। अच्छा मतलब एग्जाम दे दीजिए और 1.5 गुना रिजल्ट है, ज्यादा रिजल्ट भी नहीं होता है कि ज्यादातर छटने का और चांस बना रहता है, डर बना इसमें रहता है, एक वैसा एक नहीं बात होता। और एक इसमें वेटिंग लिस्ट का नहीं है, मतलब जिसका हुआ हुआ नहीं, वेटिंग लिस्ट का नहीं है इसमें प्रावधान। अच्छा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब जॉब हो जाता है तो आपको, मतलब आपको मिला हम कोबरा है, ओबरा, सॉरी, ओबरा मिला, तो इसके कई हाँ सारे इसके प्लांटें होंगी, बहुत सारे होंगी, हाँ उसके बारे में कुछ UPRVNL के जानकारी छह है? प्लांट है देखिए, छह ओबरा है, अच्छा, अनपरा है, कानपुर है, झांसी है, जवाहरपुर है, अलीगढ़ है, छह प्लांट है। आप तो पूरा रट नहीं जब गए इसमें हैं। नौकरी करते हैं तो ये नहीं, तो पता होना चाहिए ना। चलिए, जिसमें हाँ, नौकरी करते हैं तब पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा प्लांट अगर अनपरा बात की का जाए है, सबसे तो बड़ा प्लांट अनपरा का है, और सबसे अंतर। पूरे प्लांट में हाँ, सबसे अच्छा इन्वायरमेंट और माहौल, कॉलोनिया सबसे बेहतर अनपरा है। जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हो अच्छा, तो मतलब अनपरा मिल जाए, हाँ अनपरा मिल अंतरा ले जाए सकते, तो तो बहुत उनके वो सौभाग्यशाली हाँ माने जाएंगे। हाँ, हाँ वो हाँ सौभाग्यशाली माने जाएंगे, माना जाए तो। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब आपका सिलेक्शन हुआ, वहां गए, तो जॉब का ड्यूटी टाइम और क्या रहता है, या शिफ्ट शिफ्ट वाइज भी वाइज है, जनरल है, रहता मतलब जिसको जैसा मिल गया। हमको तो जनरल मिला है, हमारा है? अच्छा, जनरल भी है और शिफ्ट वाइज भी जनरल है, जो ड्यूटी अपना अपना चाहे 9 बजे जैसे। से 6 बजे तक है, और उसमें आप लोग का नहीं ओटी ओटी वगैरह भी नहीं लगता है क्या, ओवर मिलता, टाइम, जैसे इंडियन नहीं ऑयल में यहाँ पे लगता ओटी का है? नहीं कोई प्रावधान है। और शिफ्ट वाइज अपना 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट चलता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। और जो देखिए जो जनरल करता अच्छा, है तो उसको शिफ्ट अलाउंस नहीं मिलता है, जो शिफ्ट में रहता है शिफ्ट अलाउंस 1170 रुपये के आसपास या 1200 के आसपास। मतलब उसको कुछ हाँ पैसा वो एक्स्ट्रा मिलता जल्दी है भाई, रात को हाँ जगता है तो हाँ उसको चाहिए। हाँ, इसके हाँ लिए सरकार पौधा। अच्छा, एक चीज बताइए कि वहां पे कैंटीन वगैरह की भी सुविधा, फैसिलिटी आप हाँ लोग को मिलती नॉर्मल है इसमें? कैंटीन नॉर्मल है, हाँ कैंटीन है, मतलब उसमें कुछ पैसे हाँ पे चाय करने पानी पड़ते बिस्किट यही होंगे? सब मिल जाता है, मतलब अच्छा, चाय पानी हाँ बिस्किट वगैरह मिल जाता है। ओ, अगर क्वार्टर हाँ वगैरह की बात की जाए तो UPRVNL क्वार्टर भी हाँ आप जिस लोग को दिन उपलब्ध ज्वाइनिंग होगा कराते हैं, तुरंत क्वार्टर मिल जाएगा आपको, मतलब हाँ हमको साथ तो तुरंत साथ मिल गया था, कुछ लोग को मतलब थोड़ा लेट भी मान मिल लीजिए हाँ 10-15 दिन बस मान बाद भी मिलता लीजिए है, तो इससे एक अच्छा हफ्ता दस फैसिलिटी दिन में कुछ आपको नहीं पूरा क्वार्टर है। मिल जाएगा 2 BHK का। 2 BHK, मतलब फैमिली नहीं भी है हाँ तो 2 BHK मिल गया, आपका ये हाँ दुनिया जहां उसको कोई सोना दिक्कत है। नहीं है, आपको एकदम फर्स्ट चलिए, क्लास का मिल जाएगा। हाँ,
उसमें ड्यूटी और में आपको जॉब क्या होता है? बहुत लोगों का यूपीआर भी में सिलेक्शन होता है, वो सोचते हैं मैकेनिकल है हम, फिटर से हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो उसमें लोग देखिए देखे नहीं होते आपको हैं, मशीन तो सोच जॉब क्या जॉब क्या जॉब है कि होगा, किस आपको तरह का मशीन जॉब होगा? ऑपरेट करना है, मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं, एकदम नॉर्मल वर्क है, आपको मशीन ऑपरेट करना है, 8 घंटे आपको ड्यूटी में जाना है आराम से, जहाँ आपका ड्यूटी लगता है कोई, जैसे मान लीजिए आप कोई भी मशीन आपको दे दिया गया तो रीडिंग 8 घंटे में दो दो चार बार, जैसे 4 बार 5 बार रीडिंग भरना होता है, रीडिंग भरेंगे और मशीन मशीन को देखना ताकना, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको प्लांट में आज मेंटेनेंस नहीं ना करना है, मशीन की नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं मेंटेनेंस करना आपको है, नहीं करना है, अगर आपकी ड्यूटी मेंटेन बस ऑपरेट केवल करना, उसको नहीं देखते देखिए रहना है, समय पर देखिए चलाना है, आपको दो समय पर ड्यूटी बंद लगती है, एक करना है। ऑपरेशन में एक मेंटेनेंस में, आप मेंटेनेंस में भी लगेगी तो आपको मेंटेनेंस नहीं जी करना है, आपके अंदर में कंपनियां रहेंगी वो मेंटेनेंस करेंगी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां रहेंगी, आपको केवल बस उनको हैंडल करना है, जी अच्छा, उनको हैंडल करना जितने है, भी काम बात सही हो रहा है जो या नहीं हो ऑपरेशन रहा में है ये है देखना तो होता है। जी ऑपरेशन में आपको खुद मतलब रीडिंग वोडिंग देखना होगा, मशीन देखना होगा, मतलब आप मशीन ऑपरेट करना होगा, जो मेंटेनेंस में है तो उनको खुद नहीं मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियां वो मेंटेनेंस करेंगी। एक चीज और बताइएगा कि जब मान लीजिए कि ये तो हो गया जॉब की क्या प्रोफेशन आने वाला है जॉब का, सभी अगर व्यूअर्स को मेरे इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते रहिए आप लोग। देखिए जॉब भी कितना आसान है, मेंटेनेंस है बस, केवल देखना है, और सैलरी हाँ क्या हाँ बता सकते देखिए हैं? आप जिसकी न्यू, कोई लेगा नहीं आपकी सैलरी, आपकी अरे सैलरी कोई लेगा नहीं, जिसकी ज्वाइनिंग हो रही घबराइएगा है तो न्यू तो 27,200 हाँ मतलब आपका बेसिक रहेगा, आप अच्छा, उसके कुछ दिन की हाँ ट्रेनिंग भी उसमें तो एक होते महीने की होंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे ज्वाइनिंग कराने के बाद कभी 2-3, हाँ एक तुरंत महीने का नहीं, कभी ट्रेनिंग, एक दो दो 3 महीने बाद वो ट्रेनिंग होती है, हाँ अच्छा 2-3 महीने एक महीने की बाद ट्रेनिंग वो होती है, ट्रेनिंग होते वो हैं, अच्छा देखिए मतलब ज्यादा आपका ट्रेनिंग का अपना नहीं है, 6 महीना साल 27,200 बेसिक रहता है, आपका डीए रहेगा, जैसे अभी इस समय 34% डीए तो उस पर 27,200 पे 34% डीए लग जाएगा, टेक्निकल अलाउंस है आपका, वॉशिंग अलाउंस, ओबरा अलाउंस मिलता है, ये सब जोड़ के मतलब अब जो न्यू ज्वाइनिंग करेगा मतलब आपको 36,000 के आसपास मिल जाएगा सैलरी इन हैंड, हाँ ज्वाइन करते हैं आपको 36-35 नहीं पैंतीस हाँ एवं मिलना 35,000 शुरू हो इन जाएगा। हैंड आपका, इसमें सीपीएफ भी कटता है आपका, जैसे 3-3,500 के आसपास सीपीएफ कट कटा के आपको मतलब 35,000+ मान लीजिए 36,000 के आसपास मिल जाएगा सैलरी आपको इन हैंड, मतलब CADA जो भी कटता है उसको कट कटा के आपको हाँ मिल 35,000 आसानी जाएगा से ज्वाइनिंग करते आपको मिल ही। जाएगा। हाँ अच्छा, इसमें प्रमोशन का देखिए क्या सिलसिला प्रमोशन रहता केवल है, प्रमोशन आप वगैरह? आईटीआई हैं और आईटीआई के साथ जो डिप्लोमा है, आईटीआई है तो आपको 7 साल में जी टीजी फर्स्ट बनेंगे, फिर उसके बाद हाँ 2 साल बाद 9 साल में आप जेई के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, तो 9 साल में इलिजिबल हो जाते हैं, शुरू शुरू से 9 साल नहीं या सात शुरू से साल के नौ बाद साल 9 साल? नौ अच्छा साल शुरू नौ से साल 9 साल, अगर आप अच्छा अच्छा डिप्लो हाँ मतलब प्रमोशन का हाँ भी अच्छा अगर आप प्रावधान है। डिप्लोमा है तो केवल 5 साल, जैसे आईटीआई के साथ डिप्लोमा है तो 5 साल बाद आप जेई बन जाएंगे, अच्छा 5 साल बाद आप दे, आप तो अभी जेई पे नहीं मेरी हम कार्यरत हैं, टेक्नीशियन है, अच्छा टेक्नीशियन रहते हैं, टेक्नीशियन अच्छा है, मेरा 1.5 साल हो गया है तो मतलब 3.5 साल बाद अपना जेई बन साढ़े तीन जाएंगे। साल हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और हमें हमको सब जानकारी दिया, अपने पेमेंट स्लिप भी बहुत लोग नहीं बताना चाहता है, आपने उसे खुला बताया, सभी बच्चे जान पाएंगे। और देखिए इसलिए इंटरव्यू कराया जाता है कि आप जानिए, जब तक स्टूडेंट जानेगा नहीं वो तैयारी नहीं कर पाता है, उसके प्रति उसका रुझान नहीं होता है। और आप अगर आप इंटरव्यू फुल देखे हैं, अगर हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप जो है इसके प्रति सोचिएगा और भी अधिक मेहनत कीजिएगा, जिससे आपको जॉब आसानी से लग जाएगा, है ठीक, ना सतीश भाई? सतीश सतीश जी हमसे जुड़ने के धन्यवाद लिए बहुत अतिश बहुत सर जी, धन्यवाद, और आप सभी सभी व्यूअर्स को बता दें कि सतीश जी हमारे साथ रह चुके हैं, पानीपत रिफाइनरी में हम लोग साथ काम कर चुके हैं, वो अप्रेंटिस में, ना सतीश जी? हाँ, तो मोमेंट याद हाँ रहा हाँ पूरा चलिए, 1 साल का, हाँ पूरा एंजॉय भी बहुत हुआ है और मोमेंट तो हमेशा याद ही रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स का भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सतीश भाई हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत सर, बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।